पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट्स वैल्यू को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं और डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुप्लीकेट्स वैल्यू को हम किसी दूसरी लोकेशन पे जाके रिमूव कैसे कर सकते हैं, यानी कि यूनिक वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं डुप्लीकेट्स में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जाएंगे उस रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए जो जिसमें से आपको यूनिक वैल्यू चाहिए। कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे एल्ट ए क्यू। ठीक है, अब ये इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। ये रेंज आपने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी तो ये यहाँ पर आ गई है। अब जैसे यहाँ से आप दोबारा करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, फिर दोबारा से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज में भी सेम रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको कॉपी टू, यानी कि ये पूछ रहा है कि आपको जो यूनिक वैल्यू जो चाहिए वो कहाँ पर कॉपी करनी है। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या किया है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है नियर बाई ब्लैंक जो सेल होते हैं। अगर आपको किसी और लोकेशन पे चाहिए तो आप उसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सी टू हटा दिया, अब मैं क्या करता हूँ इसको, मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ ले देता हूँ। ठीक है, सी फिफ्टीन पे। सी फिफ्टीन पे लेने के बाद आपको केवल यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए, तो आप इसे टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मली वैसे आता नहीं है, कुछ एरर है कुछ, जिस वजह से ये ऊपर वाली और केवल ये वैल्यू ही एक डुप्लीकेट आ रही है, अदरवाइज तो सारी वो हो क्या गया। अब इसे हम चेक कर से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब में जाएंगे। वैसे तो मैंने प्रीवियस आपको शॉर्टकट बताया था, अभी मैं विंडो से बता देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल में जाएंगे, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पर, आप इसे ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कोई भी हाईलाइट नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि ये सारे यूनिक रिकॉर्ड हैं। अभी यहाँ पर मैं डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ, देखो हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए फ्रांस जैसे ही डुप्लीकेट हुआ वैसे ही हाईलाइट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मज़ेदार टॉपिक लेकर आऊँगा, कुछ नया फॉर्मूला लेकर आऊँगा, हो सकता है कोशिश करूँगा कुछ एडवांस एक्सेल का लेकर।